문자 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 So this blog is all about Switzerland trains और मैंने Zurich to Zug जो है वो ट्रेन जर्नी किया था और ये बहुत ब्यूटीफुल जर्नी था तो आई थॉट कि मैं आपको पूरी जर्नी का एक वीडियो बनाऊं। स्विट्जरलैंड की ट्रेन्स के बारे में मैं आपको बता देती हूँ, ये बहुत ही इजीली अवेलेबल होती है एक पार्ट से दूसरे पार्ट जाने के लिए, कहीं भी आप बहुत इजीली पहुँच सकते हैं। थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है बट हर थोड़ी देर में होती है, और ऐसा नहीं है कि अगर आप पहले बुक करेंगे तो आपको टिकट सस्ते मिलेंगे और बाद में महंगे मिलेंगे, इट विल बी द सेम ऑल द टाइम, टिकट सेम ही होंगे। तो कभी भी पागल मत बनिए लोगों, अगर लोग बोलें कि आपको हाफ प्राइस में टिकट मिलेगा तो बी अवेयर ऑफ दैट एंड जस्ट एंजॉय दिस ब्यूटीफुल ट्रेन जर्नी। ट्रेन के अंदर आपको वाईफाई मिलेगा, बहुत ही अच्छी सीट्स होंगी, मतलब बहुत ही अच्छी, आप देखिए मेरे, मैं भी जहाँ बैठी हुई हूँ वो बहुत अच्छा है, और सबसे इम्पोर्टेंट बाहर का व्यू, मतलब वाओ, मैंने मतलब सारे गाने सुन लिए, सैड ढिंचैक रॉकिंग एंड ऑल, और सब सुन के बहुत मज़ा आ रहा था ये व्यू देखने में। और मुझे एक्चुअल जो मीनिंग है कि रास्ता जो होता है वो ज़्यादा खूबसूरत होता है डेस्टिनेशन से, उसका मतलब आज समझ में आया जब मैंने ये जर्नी की। ये पानी, पहाड़, पेड़, सुंदर सुंदर घर देख के मुझे कुछ याद आया, कभी मैंने पढ़ा था प्रकृति की गहराई से देखिए और आप हर एक चीज़ बेहतर ढंग से समझ पाएंगे, और मैंने वो गहराई को महसूस किया इस सफर। सिर्फ 20 मिनट का सफ़र था और मुझे ऐसा लगा कि शायद मैंने ये सफ़र 2 मिनट में ही ख़त्म कर लिया, क्योंकि मेरी आंखें जो थी वो सुंदरता को महसूस कर रही थी।
और मैं चाहती हूँ आप लोग भी उसको इस वीडियो के थ्रू महसूस करें। इससे पहले वाला जो ब्लॉग था वो मैंने स्विट्ज़रलैंड के ऊपर बनाया था, ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड सिटी का पूरा टूर करवाया था। अगर आपको ट्रेन्स पता करनी है कि ट्रेन्स कहाँ, उसका टाइम टेबल देखना है, क्या टिकट है एंड ऑल दैट, तो www.sbb.ch करके वेबसाइट है, उसमें आप देख सकते हैं। उसके अलावा हर एक स्टेशन पे इसका ऑफिस होता है, तो आप डायरेक्टली वहाँ जाके भी पूछ सकते हैं, और वहाँ पर जो भी स्टाफ होता है उनको इंग्लिश आता है, तो आप इंग्लिश में जाके पूछ सकते हैं, और जो भी सबसे चीप प्राइस होगा, जो भी आपको टूर करना है वो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जो SBB है वो और भी बहुत सारे टूर करवाते हैं, जो आपकी इसकी साइट होगी उसमें आपको दिख जाएगा, बिकॉज स्विट्ज़रलैंड जो है वो एक बहुत छोटी कंट्री है और उसकी कनेक्टिविटी एक जगह से दूसरी जगह की बहुत अच्छी है, और ट्रेन्स के थ्रू सबसे अच्छी है। बहुत फास्ट ट्रेन्स और अच्छी ट्रेन्स यहाँ पर चलती हैं। आपने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे तो मैं तो देखा ही होगा, उसमें रोड्स, ट्रेन्स एंड ऑल दैट, और ये जो नज़ारे होते हैं यहाँ पर एकदम सिमिलर होते हैं। कितना बड़ा कोइंसिडेंट है, ये जो ब्लॉग है वो भी ट्रेन के ऊपर है। इस स्टेशन का नाम भी जुग है, जो कि जर्मनी में जुग को ट्रेन बोलते हैं, और ब्यूटीफुल ट्रेन जर्नी का ब्लॉग है जहाँ हम आए हैं वो भी जुग है, और वो मैं आपको अगले ब्लॉग में बताऊंगी। लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर ज़रूर से सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर करिए। बाय। और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए फैशन, वीजा, ट्रैवल, डांस, लाइफस्टाइल रिलेटेड लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, प्लीज प्लीज प्लीज। बाय।